हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैनाल इरिगेशन के अंतर्गत हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर पानी की ड्यूटी हमारी किस तरीके से चेंज होती है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चेंज इन ड्यूटी एट वेरियस डिफरेंट पॉइंट्स इन कैनाल इरिगेशन, यानी कि नहर सिंचाई में अलग अलग बिंदुओं पर ड्यूटी में हमारा किस तरीके से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इसको समझेंगे हम एक डायग्राम के द्वारा। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक कैनाल सिस्टम बना रखा है। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है कि कैसे पानी हमारा रिवर से यानी नदी से लेकर पानी हमारा किस तरीके से हमारा फील्ड तक पानी पहुंचता है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर हमने ये जो रिवर दिखाई हुई है, इस रिवर के ए पॉइंट से क्या निकला हुआ है, यहां पर एक मेन कैनाल है और इस मेन कैनाल के पॉइंट बी से हमने एक ब्रांच कैनाल यहां पर हमने प्रोवाइड की हुई है और ब्रांच कैनाल के पॉइंट सी से एक डिस्ट्रीब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के पॉइंट डी से हमने यहां पर माइनर को हम कहते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटरी आप कह सकते हैं, और सब डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि माइनर के पॉइंट ई से पानी हमारा वाटर कोर्स जिसे हिंदी में कहते हैं गूल में आता है और उसके बाद पानी हमारा एफ पॉइंट के थ्रू यानी हमारा कहां पर आ जाता है, फील्ड में आता है। यानी कैनाल सिस्टम यहां पर हमने पूरा डिटेल दिखा रखा है। तो कैनाल सिस्टम में आपने देखा कि हमने अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर कर रखे हैं। पॉइंट ए यहां पर मेन कैनाल पर यहां पर हमने जहां से पॉइंट ए क्या है हमारा, जहां से हमारी मेन कैनाल किसमें से आई है, रिवर में से हमने यहां पर निकालिए। जबकि बी पॉइंट कौन सा, जहां से हमारी मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल आई है, सी पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटरी, डी पॉइंट पर हमारी यहां माइनर यहां से हमने निकाली हुई है और माइनर के ई पॉइंट से हमने वाटर कोर्स और एफ पॉइंट के बाद हमारा पानी कहां पर आ गया, फील्ड पर आ गया। अब हमें देखने को क्या मिलता है कि जब हम देखें ड्यूटी की चेंजिंग की अगर हम बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, तो हमें ए बी सी डी ई एफ जो यहां पर हमने ये सारे जो पॉइंट लिए हैं ए से लेके एफ तक के, तो इसमें हर पॉइंट पर हमें ड्यूटी अलग अलग देखने को मिलती है। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कहां पर ड्यूटी हमारी मैक्सिमम होगी, कहां ड्यूटी हमारी मिनिमम होगी और क्यों होगी, इसके रीजंस क्या हैं, उनको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कैनाल सिस्टम के बारे में और कैनाल सिस्टम में हम समझेंगे कि ड्यूटी हमारी अलग अलग पॉइंट पर क्यों चेंज होती है और कितनी हमें चेंजिंग देखने को मिलेगी और अगर हम उसकी ड्यूटी निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो देखें, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर। दूसरा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट लिखा हुआ है, उस कमेंट को आप एक बार जरूर देखें। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम समझेंगे ड्यूटी के बारे में कि ड्यूटी हमारी किस तरीके से चेंज होती है वेरियस पॉइंट्स पर। तो देखें, मैंने बताया आपको कि अगर हमें रिवर से पानी यहां तक खेत तक लाना है, यानी किसी भी नहर से यानी किसी भी नदी से अगर डायरेक्टली पानी, अगर हम डायरेक्ट तो पानी नहीं ला सकते लेकिन हमें किस तरीके से लाना होगा, तो कैनाल सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी लाते हैं। कैनाल सिस्टम एक इस तरीके का सिस्टम है जहां से हम पानी सोर्स से लेकर कहां तक पहुंचा देते हैं, फील्ड तक ले आते हैं। यानी सोर्स मतलब जहां से हम पानी, जहां से हमें नहर वगैरह से पानी कलेक्ट करना है, जहां से हमें पानी लेना है और उस पानी को हम क्या करते हैं डिफरेंट वेज के थ्रू यहां पर हम क्या करते हैं पानी को फील्ड तक लेके आते हैं। तो उसको आप समझें। तो देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर आप देख रहे हैं जो रेड कलर में है, ये रेड कलर में रिवर है यानी नदी यहां पर दिखाई गई है जिसकी फ्लो डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रही है। अब इस रिवर के पॉइंट ए से हमने क्या किया, मेन कैनाल को यहां पर हमने निकाला। अब मेन कैनाल को निकालने के बाद पॉइंट बी से हमने एक ब्रांच कैनाल, मेन कैनाल का मतलब क्या है, मुख्य नहर, और पॉइंट बी से हमने ब्रांच कैनाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाखा नहर, यहां पर हमने बी पॉइंट से ब्रांच कैनाल निकाली। दूसरा, सी पॉइंट से हमने डिस्ट्रीब्यूटरी यहां पर निकाली और डिस्ट्रीब्यूटरी के पॉइंट डी से हमने क्या किया, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जिसे हम माइनर भी कहते हैं, तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी हमने निकाली। फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के माइनर यानी हमारी जो सब डिस्ट्रीब्यूटरी है माइनर है उसके पॉइंट ई से हमने यहां पर क्या किया, वाटर कोर्स यानी पानी हमारा कहां पर आएगा, गूल में, और पॉइंट एफ के थ्रू हमारा पानी कहां पर आ जाएगा, खेत में यानी फील्ड में हमारा पानी आ जाएगा। तो इस कैनाल सिस्टम में हमने देखा कि हमें अलग अलग पॉइंट्स यहां पर देखने को मिले, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। तो इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हमारी ड्यूटी कहां मैक्सिमम होती है, क्यों होती है और मिनिमम कहां होती है और वो क्यों होगी मिनिमम, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखें जरा, अगर हम बात करें यहां पर आपने पूरा कैनाल सिस्टम समझा और कैनाल सिस्टम समझने के बाद अब हम देखेंगे कि ड्यूटी हमारी किस तरीके से होगी। तो अब हम पिछले एक लेक्चरों में समझ चुके हैं कि ड्यूटी क्या होती है, लेकिन यहां पर चूंकि ड्यूटी वर्ड यूज हो रखा है तो एक बार हम इसको रिकॉल भी करते हैं। तो देखें जरा, यहां पर ड्यूटी क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक क्यूमेक पानी पूरे बेस पीरियड में जितनी जमीन के एरिया को यानी जितना हमारा भूमि का क्षेत्रफल है उसको इरिगेट करता है, उस पानी की ड्यूटी कहलाती है। इसे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक क्यूमेक पानी पूरे आधार काल में यानी आधार काल मतलब
बेस पीरियड में, यानी वन क्यूमेक वाटर पूरे बेस पीरियड में जितना भूमि का क्षेत्रफल सिंचाई करता है, सिंचित करता है, यानी जितनी भूमि एरिया ऑफ लैंड हमारा इरिगेट करता है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। इंग्लिश में देखें क्या है, द टर्म ड्यूटी इज डिफाइंड एज द एरिया इरिगेट एक्सप्रेस इन हेक्टेयर, एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर, एक्सप्रेस इन हेक्टेयर बाई वन क्यूमेक ऑफ वाटर ड्यूरिंग बेस पीरियड, यानी बेस पीरियड के दौरान एक क्यूमेक पानी से जितना एरिया हमारा इरिगेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। अब बात आती है क्यूमेक क्या है, क्यूमेक का मतलब है यहाँ पर वन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जब हम पानी क्या करते हैं बेस पीरियड के दौरान, जब हम पानी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से प्रोवाइड करते हैं तो कितना एरिया वो इरिगेट कर पाएगा वन क्यूमेक के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, पानी की ड्यूटी कहते हैं। अब देखो हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को समझते समय, ये क्वेश्चन हमारा जब हम अलग अलग पॉइंट्स पर जब हम ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे या ड्यूटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे हमेशा कि वन क्यूमेक की कैपेसिटी देखेंगे, वन क्यूमेक ने कितना एरिया इरिगेट किया है। तो एक आइडियल केस में मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पर कि इस खेत में यानी इस फील्ड के हेड पर, यानी यहाँ पर हमारा ये क्या है, फील्ड का हमारा एक हेड है। अब इस फील्ड में यहाँ पर पानी यानी एफ पॉइंट पर पानी हमारा वन क्यूमेक आया, कितना आया हमारा यहाँ पर पानी, वन क्यूमेक पानी आया। और वन क्यूमेक पानी यहाँ पर हम जो एरिया इरिगेट करता है वो कितना है यहाँ पर, 100 हेक्टेयर यहाँ पर एरिया इरिगेट किया है इसने। यानी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो पानी की ड्यूटी है, ड्यूटी यहाँ पर हमारी कितनी है, 100 हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी एक क्यूमेक पानी यहाँ पर हमारा 100 हेक्टेयर जमीन को सींचता है बेस पीरियड के दौरान। यहाँ ध्यान समझेंगे कि ड्यूटी यहाँ पर हमने क्या मानी, फील्ड में हमने यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन मानी है, उसी के द्वारा एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम ड्यूटी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट एफ की अगर हम बात करें तो पॉइंट एफ पर हमने माना कि एक क्यूमेक पानी हमारे 100 हेक्टेयर जमीन को क्या करेगा, सींचेगा। अब देखें यहां पर, अब आते हैं हम यहां पर पॉइंट ई पर, ई पॉइंट पर अगर हम विचार करें तो देखें जब पानी ई से लेके एफ तक आएगा, यानी जब पानी हमारा ई से लेके एफ तक रनिंग करेगा तो कुछ हमारे सीपेज लॉस होंगे, यानी आप जानते हैं कि यहां पर पानी हमारा आ रहा है गूल के द्वारा यानी वाटर कोर्स के द्वारा, तो वाटर कोर्स हमारी किससे बनी हुई है, सॉइल से, तो आप जानते हैं कि सॉइल में परमेबिलिटी की प्रॉपर्टीज की वजह से हमारा पानी साइडों में क्या हो जाएगा, बह जाएगा, इन साइडों में हमारा सीपेज लॉस हमें देखने को मिलेगा। तो सीपेज लॉस की वजह से हम मान रहे हैं कि पॉइंट ई से लेके एफ तक का जो हमारा लॉस है, यहां पर हमने क्या माना, लॉस हम मानते हैं ई से लेके एफ तक का जो हमारा पानी का लॉस है, लॉस ऑफ वाटर हमने क्या माना, लॉस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, लॉस ऑफ वाटर किससे, ई से लेके एफ तक, यानी ई टू एफ तक 0.1 क्यूमेक का हमारा लॉस हो गया। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि हम एक आइडियल केस में ये मान रहे हैं कि हर बार हमें ई से लेके एफ तक, ई से लेके डी तक, डी से लेके सी तक, और सी से लेके बी तक, और बी से लेके ए तक हर बार हमें क्या होगा, 0.1 क्यूमेक का हमें लॉस देखने को मिलेगा। अब देखिए जब यहाँ पर पानी हमारा 1 क्यूमेक आया है तो यहाँ पर 1 क्यूमेक पानी आने के लिए आपको इस पॉइंट से पानी कितना छोड़ना होगा, क्योंकि आपको पता है ई टू एफ यानी ई से लेके एफ तक 0.1 क्यूमेक का आपको लॉस भी होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ई पर जो हम पानी छोड़ेंगे वो 1.1 क्यूमेक यहाँ पर हम जब पानी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जब हम पानी प्रोवाइड करेंगे कितना, यानी इस पॉइंट पर हमें 1.1 क्यूमेक पानी प्रोवाइड करना होगा तभी हमारा पानी यहां से लेके यहां तक आते आते 1 क्यूमेक रह जाएगा। क्लियर यहां तक, क्यों, क्योंकि 0.1 क्यूमेक हमारा यहां से हमें लॉस देखने को मिलेगा, यहां से लेके यहां तक कितना लॉस होगा, 0.1 क्यूमेक। तो यहां से जब हम पानी ई पॉइंट से पानी हमारा कितना आना चाहिए, यहां पर 1 क्यूमेक आना चाहिए। आपको इस पॉइंट को ध्यान समझना है, आगे डायरेक्टली यहां पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखें यानी हम ई पॉइंट पर कितना पानी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर 1.1 क्यूमेक प्रोवाइड करेंगे तब जाकर पानी यहाँ पर हमारा 1 क्यूमेक पहुंच पाएगा, क्योंकि पॉइंट वन हमारा क्या है, लॉस हो रहा है ई टू एफ तक। और सेम वे में ई टू डी तक, यहाँ पर हमारा सेम वे में 0.1 मैंने बताया कि सेम यहाँ पर हमारा ई टू डी तक भी हमारा क्या हो रहा है, ई टू डी तक भी हमारा सेम यही लॉस है 0.1 क्यूमेक। तो अब देखिए यहां पर पानी आपको 1.1 क्यूमेक लाने के लिए यहां पर पानी आपको कितना छोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर आप पानी प्रोवाइड करेंगे 1.1
टू क्यूमेक पानी आप प्रोवाइड करेंगे। अब ध्यान से समझिए कि डी पॉइंट पर जब हम पानी 1.2 क्यूमेक पहुंचेंगे तो यहां से लेके यहां तक का जो हमारा लॉस है वो 0.1, तो यहां रह जाएगा हमारा 1.1 माइनस हो जाएगा, 1.2 माइनस लॉस 0.1 लॉस हो गया, तो यहां पर कितना रिमेनिंग रहा हमारा 1.1 बचा। अब 1.1 में से फिर ई से लेके एफ तक हमारा कितना लॉस है 0.1, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1 क्यूमेक पानी यहां पर आ जाएगा। तो अब इसी तरीके से हम बैक चलते हैं और आगे, तो अब हमने यहां पर देखा, अब सी से डी तक की अगर हम बात करें, सी से डी तक तो सेम हमारा लॉस कितना है 0.1, तो 0.1 हमारा क्या है सेम लॉस हमें देखने को मिल रहा है 0.1 क्यूमेक का। तो अब देखें यहां पर हम पानी कितना छोड़ेंगे, यहां पर हम पानी हमें प्रोवाइड करना होगा 1.3 क्यूमेक पानी हमें प्रोवाइड करना होगा पॉइंट क्यू यहां से पॉइंट सी से, और इन द सेम वे यहां पर हम पानी प्रोवाइड करेंगे 1.4 क्यूमेक, और इन द सेम वे यहां पर पानी हम प्रोवाइड करेंगे 1.5 क्यूमेक। अब यहां से आपको एक बात ये समझ में आ गई कि जहां हमारी रिवर है, रिवर के पॉइंट ए से आप जो पानी प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे 1.5 क्यूमेक, और 1.5 क्यूमेक यहां पर रह जाएगा 0.1 लॉस, तो यहां पर रह जाएगा 1.4 क्यूमेक, और फिर 0.1 लॉस यहां रह जाएगा 1.3 क्यूमेक, फिर 0.1 लॉस यहां रह जाएगा 1.2 क्यूमेक, फिर 0.1 लॉस यहां रह जाएगा 1.1 क्यूमेक, और फिर उसके बाद 0.1 लॉस होने के बाद हमें यहां पर पानी 1 क्यूमेक देखने को मिलेगा। क्लियर यहां तक? अब देखो, आपने देखा कि लगातार हमने पानी इस तरीके से यहां पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू लॉस सीपेज लॉस के कारण एंड एवेपरेशन लॉस की वजह से हम यहां पर कर रहे हैं। तो एक तो यहां पर आप लिए सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि चेंज इन ड्यूटी एट डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स इन कैनाल ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू एवेपरेशन एंड सीपेज लॉस। पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया, एंड सीपेज लॉस, यानी कि हमें यानी डिफरेंट टाइप के लॉसेस जो हमारे हैं उसकी वजह से हमें ड्यूटी अलग अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि हमें पानी अलग से एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। अब यहां पर हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि 1 क्यूमेक पानी, यहां पर अभी हमने डेफिनेशन क्या देखा कि 1 क्यूमेक पानी पूरे बेस पीरियड में जितनी जमीन को सिंचाई करेगा, जितना एरिया इरीगेट करेगा, वही उसकी ड्यूटी कहलाती है, और ड्यूटी किसमें होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो हमें ये देखना है कि यहां पर हमारी पर क्यूमेक कितनी वेलोसिटी, कितनी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहां पर देखें पॉइंट एफ की अगर बात करें तो 1 क्यूमेक वाटर, यहां पर हम देखेंगे 1 क्यूमेक वाटर कितना कर रहा है, यहां पर हमारा 100 हेक्टेयर को इरीगेट करता है, 100 हेक्टेयर इरीगेट किया किस पर, पॉइंट ए पर, सॉरी पॉइंट 100 हेक्टेयर इरीगेट, यानी पॉइंट एफ पर यहां पर हमारा 1 क्यूमेक वाटर कितनी सिंचाई कर रहा है, 100 हेक्टेयर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, पॉइंट ई की, तो पॉइंट ई पर हमने कितना पानी प्रोवाइड किया है 1.1, तो हमें पर हेक्टेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 1.1, तो यहां पर हम देखेंगे, ध्यान देंगे जरा, 100 डिवाइडेड बाई 1.1 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर, अब आप कैलकुलेटर से ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि कितना हमें यहां पर देखने को मिल रही है इसकी, देखें 100 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये हमारी जो वैल्यू आई वो आई है 90.9 हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। यानी आपने देखा कि यहां पर हमारी जो पानी की ड्यूटी है वो 1 क्यूमेक, यानी कितनी है 100 हेक्टेयर पर क्यूमेक, किस पर, एफ पॉइंट पर, बट एट ई पॉइंट 90.9 हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं किस पर, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर आपने कितना पानी प्रोवाइड किया है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर 1.2 क्यूमेक, तो यहां पर अगर हम देखें डी पॉइंट पर तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 1.2, तो कितना हो जाएगा यहां पर देखें 100 अपॉन 1.2, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1.2, तो ये आ रहा है हमारा 83.33 हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। यहां पर देखें और आगे जाएं, अब हम डिवाइड कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाई पॉइंट सी पर हमने कितना पानी प्रोवाइड किया 1.3, तो 1.3 से डिवाइड करो, ये आया हमारा 70, यहां पर हमारा कितना है 100 डिवाइडेड बाई 1.3 इक्वल टू 76.9 हेक्टेयर पर क्यूमेक,
दूसरा अब बी पॉइंट पर अगर हम देखें तो 100 डिवाइडेड बाई बी पॉइंट पर कितना था 1.4 क्यूमेक 1.4, तो ये आया हमारा 70, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1.4 तो ये आया हमारा यहाँ पर 71.42 हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्लियर यहां तक। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए से हमने कितना पानी लिया है 1.5, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.5 क्यूमेक ये आया हमारा 100 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आया हमारे वैल्यू 66.66 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो देखें जरा, अब ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने 1.3 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर जगह एक क्यूमेक की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1.1 की निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देंगे 1.1 से, 1.2 से, 1.3 से, 1.4 से, 1.5 से। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, हमने ये पाया, एनालिसिस किया कि पॉइंट एफ पर एक क्यूमेक पानी देने के लिए, पॉइंट एफ पर यानी कि फील्ड में, खेत पर एक क्यूमेक पानी आने के लिए और 100 हेक्टेयर जमीन अगर सींचेगा एक क्यूमेक पानी यहां पर, तो उसके लिए हमें सोर्स से, सोर्स मींस रिवर के ए पॉइंट से आपको 1.5 क्यूमेक पानी भेजना होगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसके किसका, ड्यूटी का। तो अब आप खुद देखिए इसमें ड्यूटी सबसे ज्यादा कहां है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहती है, एक क्यूमेक पानी जितनी ज्यादा जमीन को सिंचाई करेगा उतनी ही उसकी ज्यादा ड्यूटी होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक क्यूमेक यहां पर 100 हेक्टेयर को सिंचाई कर रहा है, यहां पर एक क्यूमेक पानी 90.9 हेक्टेयर को इरिगेट कर रहा है, यहां पर एक क्यूमेक पानी 83.33 हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर रहा है। इसी तरह से यहां पर हमारा पॉइंट ए की अगर बात करें तो एक क्यूमेक पानी 66.66 हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ड्यूटी हमारी हर जगह चेंज हो रही है। क्या हो रही है, ड्यूटी हमारी हर जगह चेंज हो रही है। तो जहां जहां हम देखेंगे वहां वहां ड्यूटी हमें क्या मिलेगी, चेंज देखने को मिलेगी। अब बात आती है इसकी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये टॉपिक हमारा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमें कंपटीशन में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब आप बताइए ड्यूटी सबसे ज्यादा कहां पर है, मोर ड्यूटी किधर है। तो सबसे ज्यादा ड्यूटी है यहां पर हमारी कहां पर, फील्ड पर, यानी हेड ऑफ फील्ड। तो यहां पर हम बात करेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ड्यूटी जो है वो कहां पर है हमारी, मैक्सिमम ड्यूटी है ए पॉइंट पर, किस पर, ए सॉरी, सबसे मैक्सिमम ड्यूटी कहां पर हमारी, एफ पॉइंट पर है सबसे मैक्सिमम ड्यूटी। तो मैक्सिमम ड्यूटी कहां पर हमें देखने को मिली, यहां पर ध्यान देंगे जरा, मैं लिख रहा हूं, मैक्सिमम ड्यूटी एफ पॉइंट पर हमें देखने को मिली। एफ पॉइंट क्या है हमारा, मैक्सिमम ड्यूटी वाला पॉइंट है, यानी मैक्सिमम ड्यूटी कहां होती है हमारी, फील्ड के पॉइंट पर होती है, यानी फील्ड की बाउंड्री पर, फील्ड की जो हमारी बाउंड्री है उस बाउंड्री पर हमें क्या देखने को मिल रही है, मैक्सिमम ड्यूटी देखने को मिलती है। तो यही सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम ड्यूटी की लोकेशन क्या है, तो आंसर होगा फील्ड की बाउंड्री पर, यानी फील्ड पर हमारी मैक्सिमम ड्यूटी हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। अब बात कर रहे हैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी अब हमें बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे मिनिमम ड्यूटी कहां पर है, तो देखें जरा यहां पर, सबसे मिनिमम ड्यूटी ए पर, ए से ज्यादा ड्यूटी बी पर, बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी और डी से ज्यादा एफ पॉइंट पर हमें ड्यूटी देखने को मिली। तो मैक्सिमम ड्यूटी कहां पर हो गई हमारी, एफ पर, और मिनिमम ड्यूटी कहां पर हो गई हमारी, ए पॉइंट पर। क्या हो जाएगी, मिनिमम ड्यूटी, तो मिनिमम ड्यूटी कहां पर देखने को मिली आपको, ए पॉइंट पर हमें मिनिमम ड्यूटी देखने को मिली। तो अब यहीं पर मैं लिखूंगा कि ड्यूटी मैक्सिमम कहां पर होती है, ड्यूटी मैक्सिमम होती है हमारी फील्ड बाउंड्री पर, फील्ड बाउंड्री, और मिनिमम ड्यूटी कहां होती है, सोर्स, जहां से सोर्स। देखें अगर ये यहां से निकला होता, अब ये जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब आप कंपटीशन क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको देखना होगा कि उसमें सबसे जो सोर्स है, जैसे देखो सपोज करो क्वेश्चन में आपको रिवर नहीं दे रखा लेकिन मैन कैनाल दे रखा है, तो सोर्स आपका मैन कैनाल हो जाएगा उस केस में। तो यहां पर आपको ध्यान में लिख रहा हूं ड्यूटी मिनिमम कहां होती है, सोर्स पर, जहां पर हमारा सोर्स है सोर्स। तो इस केस में अगर हम बात करें तो हो जाएगी हमारी कहां पर ड्यूटी, हमारी मेन कैनाल के हेड पर।
तो यहां पर मैं लिख देता हूं सोर्स, यहां पर मेन कैनाल हेड, मेन कैनाल हेड, क्योंकि हमारी मेन कैनाल हेड और पॉइंट कौन सा है ये, यहां पर ये भी लिख देता हूं मेन कैनाल हेड पॉइंट ए, ए पॉइंट पर आपके समझने के लिए, और यहां पर फील्ड बाउंड्री का कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट पर। तो ये हो गई हमारी दो बातें कि मैक्सिमम ड्यूटी और मिनिमम ड्यूटी हमें कहां कहां देखने को मिलती है, कारण क्या है, ड्यू टू एवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी भी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। अब बात करते हैं इसमें यहां पर आगे कि इसमें, और आपको एक नोट करके और लिखना है कि जैसे जैसे हम सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान रखना, जैसे जैसे हम सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, सोर्स कहाँ है, ये है सोर्स, यानी कि इस खेत में पानी आने का सोर्स कहाँ पर है, सोर्स है हमारा ए पॉइंट, यहाँ से पानी हमें देखने को मिला, यहाँ तक आया। तो जो हमारा जैसे जैसे हम सोर्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो पानी की ड्यूटी है वो कम होती चली जाती है। तो आप कहेंगे ड्यूटी इज डिक्रीज, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, ये ए पॉइंट है, यहां पर मैं नोट करके लिख रहा हूं कि ड्यूटी इज डिक्रीज, ड्यूटी इज डिक्रीजेस व्हेन वी मूव टुवर्ड्स सोर्स। यानी कि मैंने ये बताया कि जैसे जैसे हम, यानी व्हेन वी, यानी ड्यूटी इज डिक्रीज, यानी ड्यूटी घटती चली जाएगी जब हम सोर्स की तरफ, यानी फील्ड टू सोर्स, मैं ये लिख देता हूं व्हेन वी मूव फील्ड टुवर्ड सोर्स, फील्ड टुवर्ड सोर्स, यानी फील्ड टुवर्ड सोर्स, यानी कि जब हम फील्ड से सोर्स की तरफ जाएंगे तो ड्यूटी घटती चली जाएगी। इसका उल्टा, अपोजिट भी ठीक है, ड्यूटी इज इंक्रीज्ड व्हेन वी मूव सोर्स टू फील्ड, यानी जैसे जैसे हम फील्ड के पास पहुंचते जाएंगे ड्यूटी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट, इसमें मैंने आपको बताया कि हमारी डिफरेंट कैनाल सिस्टम में अलग अलग पॉइंट पर हमारी ड्यूटी हमें अलग अलग देखने को मिलती है, क्यों मिलती है, इसको आपको समझना जरूरी था, तो मैंने आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, अगर आपने ये लेक्चर विदाउट स्किप कर दिया देखा होगा तो आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया भी होगा, क्योंकि मैंने विद रीजंस और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप एक बार जरूर पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।